और दोस्तों कैपेसिटी में आप सबके साथ कर रहा हूँ दोस्तों। आज फिर आप लोग ले लेकर नई वीडियो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, जो एक मानेसर में प्लांट है और एक गुड़गांव में प्लांट है दोस्तों। तो दोनों प्लांट में मिल के दोस्तों जो है CW का न्यू वैकेंसी निकाली है दोस्तों। और दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए निकाली है दोस्तों। तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी मौका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जो है CW का वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही कम आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोगों को ये मौके को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, ज़रूर दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको अप्लाई करने से पहले मेरे साथ साथ दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। मैं एक एक डिटेल्स में दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो आपका इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा कुछ दोस्तों मैं पूरा क्लियरली आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया वो 10 मार्च 2023 तक दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग जाके इसको अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब इसका लिंक बंद कर दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों इसका जो है अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत होता है तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जुड़ के दोस्तों आप मैसेज भी कर सकते हैं, या जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप वो फोटो भी भेज सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो अभी आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों वो भी आप लोग जान लीजिए, इसमें दोस्तों अभी आपको 88,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। इतना सैलरी दोस्तों अभी किसी भी कंपनी में नहीं दिया जाता दोस्तों, जितना मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे आपका 1 साल कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इसमें जो है परमानेंट होने का भी मौका मिलता है, जो सिटी टेस्ट होता है दोस्तों। इस बार भी सिटी टेस्ट पार हो चुका है, जो 18 और 19 फरवरी को था दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिलहाल चलते हैं मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ना मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो CW वैकेंसी निकला है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया कि CW वर्क हायरिंग 2023 फॉर ओनली उत्तर प्रदेश एंड बिहार स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये जो दोस्तों वैकेंसी निकाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो दोस्तों आपका जॉब लोकेशन रहने वाला वो गुड़गांव एंड मानेसर प्लांट में से दोनों में से किसी भी प्लांट में आपका जॉब लोकेशन दिया जा सकता है। जो दोस्तों आपका CW का ड्यूरेशन टाइम होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, और जो TW होता है दोस्तों वो 7 मंथ के लिए होता है दोस्तों। जो आपको दोस्तों इसमें सैलरी अभी दिया जाता है वो दोस्तों अभी आपको 88,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाता है, जिसमें आपका CTC वगैरह काटा जाता है, काट कुट के आपको हैंड सैलरी जो मिला जाता है वो 26,000 रुपये पर मंथ दोस्तों अभी आपको सैलरी मिलेंगे। एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगा जाता है दोस्तों वो IT पास आउट ओनली इसमें दोस्तों अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं, चाहे आप IT किसी भी ईयर पास किए हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम भी दिया गया है, चाहे आप गवर्नमेंट IT से IT की या प्राइवेट IT से IT की हैं, दोनों इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। तो दोनों जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो IT ट्रेड यहाँ पे दिया गया वो देख सकते हैं आप लोग, ट्रेड ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर जनरल, डीजल मैकेनिक, कोपा, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल फाउंडर मैन, ड्रॉप्समैन, मैकेनिकल एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट द्वारा दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों और भी ट्रेड दिया हुआ रहता है, वो ट्रेड जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके जब ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा ट्रेड आएगा दोस्तों, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है किसी का ट्रेड दिया हुआ नहीं है और वहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें एज लिमिट लिया जा रहा है वो 18 से 26 ईयर सबका एज लिमिट होना चाहिए, तो जिनका 18 से 26 साल तक है वही केवल इसमें अप्लाई कीजिएगा। वो भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका ज्वाइनिंग टाइम तक दोस्तों आपका एज जो है 26 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज्वाइनिंग टाइम तक आपका अगर 27 साल हो गया तो फिर दोस्तों आपका इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे IT पासिंग और यहाँ पे दिया गया कि ऑल कैंडिडेट आप किसी भी ईयर पास किए हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके दोस्तों आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरा जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जुड़ के मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो दोस्तों सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा,
जिसमें आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर और जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू एचआर एंड टेक्निकल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इन सभी का दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इन सभी वीडियो का लिंक जो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों सारे वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन पेपर आप याद करके जाइएगा, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर इम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, आपके आंखों में अगर कम दिखाई देता है दोस्तों तो आप प्लीज इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका इसमें नहीं लिया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग द्वारा आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। इंट्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आपको इसमें लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोट दिया गया कि दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि आप अगर इसमें अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट दिया गया वो 10 मार्च 2023 को दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों के पास काफी टाइम है, लेकिन आप 10 मार्च से पहले ही जाके फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि बीच में भी इसका लिंक जो है बंद हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, आईटी का मार्कशीट, 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सभी को CW फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रखें और सभी दस्तावेज अपलोड करें। आपको दोस्तों JPG या PNG PDF फाइल बना के अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो ओपन कैंपस इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो आपका डेट आने वाला है वो यहाँ पे देखिए, एग्जाम एंड इंटरव्यू डेट आपको कॉल या मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो आपका एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, वो दोनों आपके पास ईमेल पे मैसेज भी आएगा और आपके फोन पे कॉल भी आएगा और बता दिया जाएगा जिस डेट का आपका एग्जाम होगा उसके अगला दिन ही आपका दोस्तों इसमें इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद आपका दोस्तों 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, जाके फटाफट से अप्लाई कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।